नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र बधौलिया। आप हमारे YouTube चैनल है सारा सुखनगर को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर आने वाली वीडियो को अगर आप जल्द देखना चाहते हैं तो इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। कोरोना की जब दूसरी लहर आई तो सीटी स्कैन मशीन की जोर से मांग उठी। रोज रोज की परेशानियों से आज आ चुके लोगों ने एक बड़े संगठन के तौर पर सामूहिक रूप से इसकी मांग की थी। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित राजनेता एवं जनप्रतिनिधियों ने इस मशीन को यहां लगवाने के लिए लगातार प्रयास किए थे और इन्हीं प्रयासों का नतीजा रहा कि मध्य प्रदेश में शुरुआती दौर में जिन जिलों को सीटी स्कैन मिली उनमें अशोकनगर भी शामिल हो सका। इसको लेकर बीते कुछ माह से लगातार सोशल मीडिया पर तमाम सारी पोस्टें भी आ रही थीं। श्रेय लेने एवं दूसरी तरह की राजनीति के तर आज सामूहिक रूप से जब इसका शुभारंभ किया गया तो राजनेताओं के स्वर एक से मिले दिखे। जिला चिकित्सालय में जब इसका शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया तो उसमें जिले के मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव, सांसद डॉक्टर केपी यादव एवं विधायक जसपाल सिंह जज्जी मौजूद रहे। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि एवं राजनेता एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने कहा कि इस मशीन को लगाने में जिन जिन लोगों ने प्रयास किए वह सब बधाई के पात्र हैं। देखिए तीनों ही नेताओं ने किस तरह अपनी बात रखी। जिन्होंने हमारी सबकी मांग पर और सिटी स्कैन मशीन हमको दी, चूंकि मैंने जिले प्रदेश में बहुत जगह दौरा किया है तो मैंने कई जिलों में यह हालत देखी है कि वहां सिटी स्कैन मशीन अभी तक नहीं पहुंची और हर जगह मांगे, हर जिले में मांगे। ये बात वास्तव में सही है कि हम लोग पूरी ताकत से वरिष्ठ नेतृत्व से लगे रहे, कहते रहे और वो आप सब लोगों की मांग पर, क्योंकि जब कोई गरीब व्यक्ति सिटी स्कैन कराने जाता था तो वास्तव में 3,000, 3,500 रुपये, 4,000 रुपये लिए जाते थे। तो उस समय बगैर सिटी स्कैन के कोई एडमिट नहीं हो रहा था, तब तक ये पता नहीं चल रहा था कि वो कितने परसेंट कोविड से प्रभावित है। तो वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान थे गरीब लोग, बहुत पैसा खर्च हो रहा था, एक एक दो दो तीन तीन बार सिटी स्कैन करानी पड़ रही थी। तो समय सब लोगों ने जब मांग रखी तो हमने भी, माननीय सिंधिया जी हों, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हों, माननीय प्रभुराम चौधरी जी हों, हम सब ने मिलकर उनके समक्ष मांग रखी। तो उन्होंने कहा हम जल्दी से जल्दी उसको स्वीकृत करवा देंगे, आपको दिलवा देंगे। चूंकि यह बात आप भी जानते हैं कि सिटी स्कैन मशीन हमारे देश में नहीं बनती, ये विदेश से मंगाई जाती है। कि ऐसे महामारी के समय में हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मिले और इस कोरोना महामारी जैसे ही चालू हुई तो हमें यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का नेतृत्व मिला। वाकई में बड़ा गर्व होता है कि जितना बढ़ चढ़कर लोगों ने काम किया वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से जज्जी भाई साहब अपनी बात बता रहे थे कि किस तरह से कैसे कैसे समय जब जब विपरीत रहा उस समय पे सबने मिलकर किस तरह से लोगों की मदद की, तो वाकई हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे मित्र, ऐसे साथी मिले हैं। और नीरज भाई जो मेरे कह रहे थे पहले कि कुछ भी करें पर रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, तो हम तो एक ही दल के लोग हैं, अगर हम विभिन्न दलों में भी होते तो हमारा ध्येय उद्देश्य एक ही होना चाहिए। और ये सब यहाँ की जनता का आशीर्वाद है कि आज हम विधायक, सांसद, मंत्री बन के यहाँ बैठे हैं और ये हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। हम राजनीति में स्वयं आए हैं, हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और जो हमसे बन पड़ता है, वाकई में एक अच्छा कंपटीशन होना चाहिए। एक छोटी सी सिटी स्कैन मशीन थी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन उसके लिए जितना प्रयास सभी ने किया, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे मंत्री जी हों, चाहे मेरा प्रयास रहा हो, चाहे यहाँ के एक एक नागरिक का रहा हो, यहाँ के पत्रकार बंधुओं का रहा हो, यहाँ के डॉक्टर्स का रहा हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का रहा हो, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का रहा हो, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का रहा हो और चाहे प्रधानमंत्री जी का रहा हो, सबका उद्देश्य एक ही था कि इस महामारी में कैसे हम अपने लोगों की रक्षा कर पाए। तो मैंने कहा ये इसकी जरूरत नहीं चूंकि आ रही है, तो उसमें सारे लोगों का सहयोग रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से आई या किसकी, लेकिन ये जरूरत थी हमारे शहर की और शहर के सैकड़ों नौजवान समाज सेवी लोग
जो इसका महत्व समझते हैं, वो सारे लोग अपने अपने स्तर से संघर्ष कर रहे थे, जिसकी जितनी आवाज थी वो उस अपनी उस आवाज का उपयोग कर रहा था। सांसद जी की जितनी हैसियत तो उन्होंने ताकत लगाई, मंत्री जी की उन्होंने लगाई, और ये दोनों की हैसियत मेरे से तो ज्यादा है, तो निश्चित रूप से श्रेय इन्हीं को जाता है। लेकिन इस मौके पर मैं तीन लोगों को इस बात के लिए कोटि कोटि उनका आभार व्यक्त करूंगा। हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, हमारे नेता श्रद्धेय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी, और हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, उन तीन लोगों का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात सुनी। और मैं लगातार लड़ता रहा इस बात के लिए कि हमको प्राथमिकता पे चाहिए, और आज ये बैठे हैं। जितने भी ऑर्डर दिए थे मध्य प्रदेश सरकार ने, फर्स्ट अलॉट में केवल 4 मशीनें आई थी, और मैं लगातार महाराज से, सीएम साहब से, प्रभुराम जी से लड़ता रहा कि मुझे उन 4 में से एक मशीन चाहिए, और उन 4 में से ये मशीन अशोकनगर में आ जाइए। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। ये सीटी स्कैन मशीन खराब ना हो कभी, मुझे ये भी पता है। एक सुनो अब एक मजेदार बात, एक मैकेनिक आया, दूसरे जो काम मैकेनिक है उसने कहा मशीन लग गई, मैं ओपन नहीं कर रहा, उस हॉस्पिटल सरकारी मशीन खराब है 6 महीने से। मैडम, मैंने कहा क्यों खराब, तू तो देख कि खराबी मैंने करी है। मैं सत्य कह रहा हूं कि खराबी मैंने करी है, क्योंकि वहां के डॉक्टर्स ने कराई है कि मशीन में कोई पार्ट करे आया, ठीक करने कराया, तो चल वो खराब है, 6 महीने से खराब है। क्यों मैं बता देता हूं, ये पार्ट खराब वो पार्ट क्यों, कारण आप सब जानते हो। तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे, ऐसा यहां ना हो, और ऐसा होगा चलूंगा कि यहां भी वो ही हो रहा है। आपसे प्रार्थना है कि गरीब आदमी को के लिए सुविधा दी है, और पैसे वैसे तो बहुत कहीं से 50 जगह से आएंगे, ईश्वर की इच्छा है तो, और नहीं तो ये काम नहीं आ रहे। और आपने देखा है अरबपति खरबपति जिनके घरों पैसे रखने को ढेर मिले कमरों में, उनके ताले रहे घर में, बचा नहीं कोई कोरोना में, जब उनके घर खोले गए तो ढेर लगे कमरों में उनके रुपयों के, लेकिन जीवन नहीं बचा पाए। तो हम लोग थोड़े अंदर अपने अंदर उस मानवता को जिंदा रहने दें, और ईश्वर के प्रति धन्यवाद अदा करते हुए लोगों की मदद करें, सेवा करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस भाव के साथ कि अगर कुछ आपको कहीं हर्ट किया हो तो उसके लिए क्षमा। जय हिंद।